पुराण देव यूनिवर्सिटी के बीएड के 2 साल के बीएड के गुरु जो सिलेबस और पैटर्न को एग्जामिनेशन को समझना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था, ये रहा मान लीजिए पूरा बीएड का स्ट्रक्चर है और ये रहा सेम 1 जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, और आगे समझना है उसको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। सेम 2, सेम 3 और सेम 4 ये हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, ओवरव्यू क्या होगा। अब जो है ये सेम 1 पर सिर्फ फोकस करेंगे। सेम 1 का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 जो भी जितने भी थ्योरी के पेपर होंगे फर्स्ट पेपर उठाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेपर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का अब उठाया है और उसका कंटेंट जो है अब डिस्कस करेंगे, टीईटी के लिए क्या फायदा रहेगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होने हैं आपके उनकी तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। साथ में करेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर, हाँ, जो क्वेश्चंस हैं किसके, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे वो पेपर कौन सा आज उठाएंगे, सेम 1 का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट पेपर है, सेमेस्टर 1 है, पेपर 1 है। पेपर का नाम अंडरस्टैंडिंग अ लर्नर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का सेकेंड सेमेस्टर में भी होगा, दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट इसमें ज्यादा पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल भी पढ़ेंगे साथ साथ में। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसको अंडरस्टैंडिंग का पेपर नॉर्मली बीएड में शॉर्ट में आप बोलते हो, 3 घंटे का पेपर होगा, 70 इसके मार्क्स होंगे। सेशनल वर्क जो है इंटरनल असेसमेंट 30 की होगी, क्रेडिट्स 4, मीन के आप 4 घंटे इसकी क्लास लगेगी डिवाइडेड हफ्ते में। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, ये पेपर सेट पेपर सेटर के लिए भी इंस्ट्रक्शन होगी और आपको पेपर कैसे आना है उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं यहां पर के इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए कि 4 सेक्शन में बटा हुआ होगा। सेक्शन पूरा लिख देता हूं यहां पर, सेक्शन ए जो पेपर ये बटा होगा, बी, सी और डी, 4 सेक्शन में बटा होगा। हर सेक्शन में से आपको पूछा जाएगी, सेट किए जाएंगे 2 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2, ओके, 3 4, सी सेक्शन में भी सी, 5 6, डी सेक्शन में 7 और 8, ये हो गए आपके पेपर सेट ऐसे, ओके। अब आपने करना क्या है, इनमें से आपने पेपर 2 में से एक को चूज कर लेना है, अटेम्प्ट करना है फाइनल एग्जाम में, 2 में से एक को चूज करना है, एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक को अटेम्प्ट करना है। अभी समझ लेना आगे कुछ और होगा, और एक को अटेम्प्ट करना है। ये 8 क्वेश्चन हो गए, पांचवा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हो गए आपने कर लिए, पांचवा क्वेश्चन भी आपने करना है। पांचवा क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से जो छोड़े हुए क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए इसमें से आपने एक कर लिया, इसमें से आपने चौथा कर लिया, इसमें से आपने छठवां कर लिया और इसमें से आपने सातवां कर लिया, अब बचे हुए कौन से हैं, कलर बदल के ये समझ सकते हैं येलो कलर से कि ये वाला आप पांचवा क्वेश्चन ये या ये 4 में से 1 कर सकते हो। ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का पैटर्न है जो पिछले 2 3 साल में बदला है। उससे पहले जो 5th सेक्शन था वो छोटे क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन छोटे छोटे आते थे। अब इक्वल डिवीजन है, ये 5 क्वेश्चन करने हैं, कितने मार्क्स का होगा, यहाँ मार्क्स लिख दूं ऐसे, मार्क्स है ना, तो 14 मार्क्स का ये होगा, 14 का ये होगा, 14 का ये होगा, 14 का ये होगा और 14 का ये होगा। ये 14 मार्क्स के हो गए, टोटल कितने का होगा, 70 मार्क्स के हो गए। तो ये थी आपकी स्कीम एग्जाम में। अब एक और बात जो जरूरी यहां पर बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, कहते ये एक एक क्वेश्चन में भी सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स नॉट एक्सीडिंग 4, मीन इसका क्या मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कह सकते हैं डिफाइन दिस टर्म, ओके, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस बता दिया एंड एक्सप्लेन द फीचर्स, फीचर्स आ गए उसके पूछ लिए, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उसकी पूछ ली कि एजुकेशन में अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीकेशन। और ये हो गए, मतलब कोई भी क्वेश्चन 14 मार्क्स का है तो वो मैक्सिमम 4 डिवीज़न उसकी हो सकती हैं, 4 से अधिक नहीं होगी। डिवीज़न आती हैं वो हम पेपर जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब ये है कि हमने कोर्स ऑब्जेक्टिव है, मेरे ख्याल में आपको पढ़ लेने
चाहिए, मेरे ख्याल कोई नहीं पढ़ता होगा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, ये पेपर को कंप्लीट करने के बाद आप स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ पाओगे, एडोलसेंट के करेक्टरिस्टिक्स समझ पाओगे विद रेफरेंस टू सोशो कल्चरल फैक्टर, एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, मल्टी कल्चरलिज्म एंड देयर इफेक्ट ऑन लर्निंग, एनालाइज द डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेज एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरीज इसमें आएंगी और इसने साथ नहीं छोड़ना वर्ल्ड में कहीं भी चले जो टीईटी में भी साथ नहीं छोड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ टीचर इन होलिस्टिक परस्पेक्टिव ऑफ लर्नर एंड लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन नॉर्मल क्लासरूम, आप स्पेशल बीएड नहीं कर रहे, दैट इज अ नॉर्मल क्लासरूम है, स्पेशल वाले के लिए स्पेशल क्लासरूम होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में यही इसी को इंक्लूसिव बनाया जाएगा। अच्छा, अब ये है, यहाँ से आपका कंटेंट शुरू होता है, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपकी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू एडोलसेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्वेश्चन इसके बनते हैं वो ये है, ये बेशक लिखा पहले, ये क्वेश्चन बनता है कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये रही, ओके, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये आ जाएंगी कंसेप्शन से लेके आएंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ से अभी से पीटीईटी की शुरू हो जाएगी, बहुत से क्वेश्चन हर बार स्टेजेस में से पूछे जाते हैं, मतलब हर पेपर में इसका क्वेश्चन होता है, तो हरलॉक के मुताबिक है, हरलॉक की बुक वर्ल्ड वाइड मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो मैं रेगुलर स्टडी करता रहता हूँ, कितनी बार पढ़नी पड़ती है, अच्छा ये है प्री नेटल कंसेप्शन का 9 महीने का पीरियड है, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि अच्छा ये बेबीहुड है, ये हरलॉक ने यूज़ किया है, लेकिन नॉर्मली इसको इन्फेंसी स्टेज में यूज़ किया जाता है, हमने पढ़ना क्या है, ये प्री नेटल पीरियड आ गया, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और प्यूबर्टी और एडोलसेंट पीरियड, और ये एडोलसेंट शुरू हो गया, तो ये इसको ज़्यादा डिटेल में हमने बीएड में नहीं करना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में विद स्पेशल रेफरेंस टू ये बोला है, यहाँ से प्यूबर्टी से लेके 18 साल तक, कारण क्या है, यहाँ पर डिटेल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, बीएड वाले अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये 6th क्लास से 10th को जहाँ प्लस टू तक को टीच करने के लिए एलिजिबल हैं, और 6th क्लास की एज क्या होती है, 6 जमा 6 आप 12 कर लो, 12 से लेके ये कर ली आपने 16-17 या 18-19 तक अगर प्लस टू तक लगाते हो, तो ये 12 से 19 तक, थोड़ी सी वेरिएशन ले आए तो 11 से 19, तो ये कौन सी बनी, ये देखिए 10-11-12 से शुरू होके ये 18 साल तक जा रही एडोलसेंट पीरियड, दैट इज वाई आपके सिलेबस में है विद स्पेशल रेफरेंस टू एडोलसेंट, तो हमने इन पर जोर देना है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल विद स्पेशल क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, एक तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ सकती हैं, सभी पूछी जा सकती हैं, दूसरा एडोलसेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, नंबर एक फिजिकल पूछे जा सकते हैं, 14 मार्क्स में नॉर्मली 2 डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल एंड कॉग्निटिव या फिजिकल एंड सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल, ये कोई भी दो, मैं अपनी बुक में मॉरल भी हैं, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल मॉरल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट करते हैं अभी टीईटी के अंदर, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी, सबको ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें आपने एमसीक्यू का जवाब देना है, तो यहाँ पर आप जो है मेरी बुक में इसके भी पॉइंट, फिजिकल डेवलपमेंट के ऐसे पॉइंट बनाए हुए हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो आ जाएंगे, इसके पॉइंट है, इसके पॉइंट है, उनको याद कैसे करना है, बस ये बात है, इस एज में से आप भी गुजर के गए हो, ये भी आपको पता है, तो ये इजी क्वेश्चन में से आता है, ये डिफिकल्ट नहीं है। सोशो कल्चरल फैक्टर, देखिए हर सेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, नॉर्मली ये होता है कि एक में से एक क्वेश्चन और दूसरा किसी और में से चुना जाता है, ऐसे होता है, इट मीन्स अगर आप छोड़ने की सोचते हो तो आप टीईटी को ध्यान में रखते हुए छोड़ो मत, मैं ये बता दूंगा कि टीईटी के लिए रेलेवेंट है, ये सारा पेपर रेलेवेंट है, दैट इज वाई टीईटी के लिए ये इसको स्टडी करते रहो, क्योंकि आपने मार्क्स जो है 120-130 के करीब ले जाने हैं, 40 के करीब ले जाने हैं। सोशो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निशन एंड लर्निंग, नॉर्मली ये भी
डिफिकल्ट, रत्ती भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कॉग्निशन एंड लर्निंग को प्रभावित, कॉग्निशन हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, नॉलेज है ना जो गेन करनी है एडोलसेंट की, उसको फैमिली क्या प्रभाव पाती है, फैमिली का कॉग्निशन और लर्निंग पर असर। दूसरा है स्कूल का प्रभाव कॉग्निशन एंड लर्निंग पर, कम्युनिटी का प्रभाव कॉग्निशन एंड लर्निंग पर, रिलीजन का प्रभाव लर्निंग एंड कॉग्निशन पर। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, टोटल बता दिए। लर्नर इन डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, ये डेफिनेशन और कंसेप्ट पूछा जाता है, ठीक। आधे मार्क्स का होता है, कभी 6 का, कभी 4 का, विद एम्फेसिस ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, और डिस्कस द मार्जिनलाइजेशन इन रिलेशन टू जेंडर इनइक्वालिटी, है ना। आगे है, ये हो गया, दूसरा है इंक्लूसिव सेटिंग, तीसरा है मल्टी कल्चरलिज्म। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसका मीनिंग क्या है, कि आप इंक्लूसिव सेटिंग कैसे क्रिएट करोगे, आप मल्टी कल्चरलिज्म को कैसे यूज करोगे क्लासरूम के लिए, है ना। आप मार्जिनलाइजेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन में कन्वर्ट क्यों करोगे, ये बिल्कुल ओपोजिट है। मार्जिनलाइजेशन मार्जिन, ये आपका पेज है और ये मार्जिन है, इट मींस जिन लोगों को हमने एज पर बाहर, सोसाइटी लगभग बाहर निकाल दिया है, जिनको पावरलेस कर दिया है, जिनके राइट्स हम खा गए हैं, जिनको जस्टिस नहीं देते। चंद्रयान शायद ऊपर जाके हमारे को जस्टिस दे दे, शायद भूखे को रोटी भी मिल जाए, शायद जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, शायद जो 87 रेप रिपोर्ट होते हैं इंडिया में हर रोज, शायद वो खत्म हो जाए, जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं, चलो इनकी बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया पहला सेक्शन, इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, कॉग्निटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो सारा ही ये सेक्शन जो है कॉग्निशन पर बेस्ड है। किस पर, यहां बना रहा हूं, ये बंदा बन गया, ये दिमाग पर, यहां जो चलता है, यहां जो चलता है, हमने शायद करनी है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, 3 डोमेन्स है, उसकी सब डोमेन्स भी होंगी, वो वीडियो टीईटी का होगा, साथ में अभी आ जाएगा, तो उसमें डिटेल में आप समझ पाओगे। तो जहाँ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगी, सबसे पहले उसका पापा जो है, जो उसके फादर साहब हैं, प्याजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब भी पढ़ोगे, ये थ्योरी को छोड़ नहीं सकते, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, पहला साइंटिफिक क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव वर्क जो किया प्याजे ने किया, टीट किसी भी पेपर में इसने आपका पीछा नहीं छोड़ना। अच्छा, इसके हमारे क्या क्वेश्चन आएंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट है, यहाँ पर स्टेजेस आ जाएंगी, स्टेजेस, ओके, 4 स्टेजेस हैं इसकी, वो करेंगे डिटेल में। इसने अपने बच्चों पर, 3 बच्चे हुए जन्म से लेकर 12, 14, 15, 16 साल तक, उन पर एक्सपेरिमेंट करते रहे, वो सारे एक्सपेरिमेंट आपको मैं एक एक करके, ये बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरी है, बीएड में नॉर्मली इसको शायद आप छोड़ के जाओगे जो रेगुलर पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन टीईटी के लिए इसने पीछा ही नहीं छोड़ना। आपका पेडागोजी में, आपका जो सीडीपी में, हर पेपर में इसके बेस पर क्वेश्चन आएगा, इसके बेस पर क्वेश्चन आएगा। ये थ्योरी पता होगी तभी, इसके फीचर पता होंगे, अपनी बुक में मैंने ऐसे ही लिखे हैं जैसे फीचर आप मतलब टीईटी में सीधे अप्लाई कर सको, एप्लीकेशन और एजुकेशन इम्प्लीकेशन होगी। सो इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो मैं एक एक करके उस पर वीडियो बना के आपको शेयर करता रहूँगा, उसको अच्छे से देखना है, वो आपको ईजी कर देगी, जो प्याजे ने किया वही करने की कोशिश पूरी रहेगी। बहुत सी रिकॉर्डिंग की है लेकिन अभी मेरे पास सेव नहीं है, मैं न्यू जो है ये दोबारा करके आपको भेजूंगा। स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टीईटी के लिए, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरी है। तो इसकी 6 स्टेजेस हैं, वेरी इजी है, फीचर भी बता देंगे, एप्लीकेशन भी बता देंगे। इसका स्टर्नबर्ग का इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इंटेलिजेंस है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी, किसकी है, वो स्टर्नबर्ग की है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम थोड़ी सी करेंगे, टीईटी में वो इंपॉर्टेंट है, स्टर्नबर्ग इज इंपॉर्टेंट, पर स्टर्नबर्ग का ये भाग इंपॉर्टेंट टीईटी में
बिल्कुल नहीं है ये टीईटी में, फुल टीईटी में इसको तो 200% कह देना चाहिए प्याजे को। और ये वाला पोर्शन जो है नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर टीईटी, बट स्टर्नबर्ग इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीईटी, उसका इंटेलिजेंस की थ्योरी। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस कंसेप्ट फीचर एंड एप्लीकेशन 100% इम्पॉर्टेंट, इसने पीछा नहीं छोड़ना, क्वेश्चन टीईटी में भी आने हैं यहाँ भी आने हैं। 8 और अब 9 टाइप की इंटेलिजेंस हो चुकी है, वो इसके कंसेप्ट में वो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ऐसे समझेंगे, है ना। तो उसको मैंने अभी से वो उसका अभी से कैसे मैंने याद रहती है बिस्मिल्लाह, ये नेचर एक वर्ड है उसके साथ सारी इंटेलिजेंस मेरे सामने आ जाती है। ऐसी हम मेमोरी ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स है, वो यूज़ करेंगे। इसके फीचर क्या हैं वो अलग से करेंगे। ये क्वेश्चन 14 नंबर का ये इस पर आ जाता है, 14 का इस पर आ जाता है, 14 का इस पर एप्लीकेशन पर या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पर आ जाता है, वो साथ साथ में करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी, ह्यूमनिस्टिक एंड साइको सोशल अप्रोच। पिछले में क्या थी ब्रेन की अप्रोच, अब क्या है साइको सोशल अप्रोच, उस पर फोकस होगा। कोलबर्ग ये 100% टीईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, 6 स्टेजेस होंगी इसकी और 3 लेवल होंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट जैसे प्याजी ने किए इन्होंने भी किए, वो भी साथ साथ में शेयर करेंगे। इस पर भी आपको वीडियो साथ साथ में मिलती रहेंगी। और उनके फीचर जैसे 14 नंबर का एप्लीकेशन, 14 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, रॉगर्स सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन हमारे सिलेबस में है। तो इसका रॉगर्स की वैसे थ्योरी जो है ना ह्यूमनिस्ट है बेसिकली। चलो इसने द फंडामेंटल जो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिवार्ड रिगार्ड की बात की है ना, तो पनिशमेंट तो देनी नहीं, लर्निंग पर जोर दिया है, टीचिंग पर नहीं, ये इनके मेन फीचर है अभी से हमने कर लिए। लेकिन सारे 14 मार्क्स के मुताबिक इसका कंसेप्ट भी करेंगे, फीचर भी करेंगे, एप्लीकेशन भी करेंगे। एरिक्सन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये टीईटी के लिए भी साइको सोशल डेवलपमेंट, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है, कंसेप्ट उसके फीचर उसकी एप्लीकेशन, 14 मार्क्स के ये आएंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते। सेक्शन डी अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव अबिलिटीज एंड अफेक्टिव डोमेन एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग इंडिविजुअल वेरिएशन इन व्यू ऑफ डिफरेंस रैदर दैन डिफिसिट। इन इतना भी घबराना नहीं है, लंबी स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है। सबसे ईजी क्वेश्चन इसमें से आता है, क्या है इस पर सिर्फ फोकस करना है, सिर्फ इस पक्ष के इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कॉग्निशन थिंकिंग रीजनिंग इसमें कौन से होते हैं, अफेक्टिव डोमेन में कहते होते हैं, और आपने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उसके, ये 3-4 ये क्वेश्चन बने 14 मार्क्स के। फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, डरना नहीं है। मोटिवेशन पर 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग पर या कोऑपरेटिव लर्निंग पर 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग पर 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेल्फ एफिकेसी पर 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ टीचर एंड डिफरेंट लर्निंग एनवायरमेंट एंड सेटिंग्स। इनमें से ये क्वेश्चन भी इजी होगा, जो ये डिफरेंस बताने हैं वो कॉग्निटिव के अफेक्टिव के साथ में भी अलग में भी आ जाते हैं 14 मार्क्स के। इम्प्लीकेशन भी इजी है इसकी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोटिवेशन भी इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इनसे थोड़ा कम इजी है लेकिन इजी कैटेगरी में रख रहा हूँ। एफिकेसी को भी इजी कैटेगरी में भी रख रहा हूँ। एफिकेसी कुछ नहीं है, जो कॉन्फिडेंस इन स्पेसिफिक फील्ड आपका होता है। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग इंपॉर्टेंट बहुत है, इजी से थोड़ा डिफिकल्ट, एवरेज में इसको रख लेते हैं। तो ये सेक्शन इजीएस्ट में आ रहा है कोलैबोरेटिव लर्निंग, आपका पेडागोजी में भी सेम होगा, सेम ही जैसे क्वेश्चन इसमें मैंने लिखा है वही उसमें होगा। हाँ, इसको थोड़ा सा बेटर करेंगे, जैसे मैंने बुक में लिखा है इसको इम्प्रूव करेंगे। कारण यह है कोलैबोरेटिव लर्निंग का सेंट्रल आइडिया है टीईटी में, छोड़ना ही नहीं इसने, मतलब सारे कंस्ट्रक्टिविज्म में से जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है उसकी सेंट्रल जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, और यही राइट आंसर मोस्टली होता है, और इस पर क्वेश्चन भी रिपीटेड होते हैं। तो ये सेशनल वर्क हो गया आपका, क्या होगा इसमें परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट एंड हाउस टेस्ट क्या होगी 10 मार्क्स की, अटेंडेंस 5 मार्क्स की, असाइनमेंट 15 मार्क्स की। नॉर्मली इवेल्युएट क्या होता है, जो अच्छे कॉलेज हैं उसमें असाइनमेंट इवेल्युएट होती हैं, और असाइनमेंट के बेस पर और आपकी अटेंडेंस बेस पर और परफॉर्मेंस इन हाउस टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट से भी ज़्यादा। कारण ये है कि अगर हाउस टेस्ट में मान लीजिए आप 80% मार्क्स लेते हो और दूसरा बच्चा है वो हाउस टेस्ट देता ही नहीं है,
तो टीचर को इसकी असेसमेंट पता है और इंटरनल असेसमेंट उसकी बहुत अच्छी इसके अकॉर्डिंगली लगेगी। जो 20% वाली मार्जिनलाइजेशन वाला है असेसमेंट काटी कट जाती है, वो कटने की संभावना या जो हॉस्टेस देते हैं उनकी नहीं रहेगी। दैट इज़ वाई आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं तो तीनों को अटेंडेंस को इम्पोर्टेंस देता हूँ, नॉन अटेंडिंग को मैं तो कर्स श्राप जो इंडिया को मिला हुआ है उसको। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑन इशू, ये आपकी असाइनमेंट्स क्या होगी, प्रेजेंटेशन ऑन इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर इनइक्वालिटी, रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट एज ग्रुप इन नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग मीन जैसे आप घर में हैं, स्कूल में हैं, नेचुरल सेटिंग, आर्टिफिशियल सेटिंग से नहीं, विद रिस्पेक्ट टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये आपको बना के भी भेजूंगा है कि कैसे वैसे करेगा कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। वर्क की बुक बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में नंबर वन बुक वर्क, और दूसरी होगी डैश की इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए होगी, स्पेशल एजुकेशन के लिए। और ये बुक आप पढ़ोगे नहीं वैसे, वुल्फॉक एजुकेशन है, बहुत अच्छी बुक है, है ना। हरलॉक की इसमें नहीं बताएगी, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये रहा हमारा पेपर वन, मेरे ख्याल में ये लेंथी हो गया है, दैट इज़ वाई एक थ्योरी में सारा डिस्कस नहीं अब करूँगा, एक पेपर को डिस्कस कर लिया है। एक पेपर के ही साथ में पेपर जो कैसे आएगा, इसका फर्स्ट पेपर है जैसे फर्स्ट यूनिट में से था, साथ में वो भी कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। जैसे जैसे वो फर्स्ट यूनिट था, ये हमने सेक्शन वन देखा था, इसमें से पिछले साल जो पेपर आया है वो क्या है, ये तो नोट है कैसे पेपर आना है। अच्छा, डिवीज़न कहाँ थी, यहाँ पर दो दो डिवीज़न नॉर्मली आ जाती हैं। फर्स्ट है एलुसिटेट द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, डरना नहीं है, इसके चार नंबर का मार्क पेपर है ये, है ना। मार्जिनलाइजेशन का कंसेप्ट बताना है, हाउ टू क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो ये TET के लिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो चार भाग का ये, इसको डिवाइड आपने ऐसे करना है और इसको थोड़ा लेंथी करना है 10 मार्क्स का। जब मैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है तब बताऊंगा इसको, कितने पेज का, कितने डेफिनेशन और इसके कितने पॉइंट कैसे याद करने है, वो सारा कुछ साथ साथ में बताऊंगा। डिस्कस द रोल ऑफ प्लेड बाय कम्युनिटी एंड रिलीजन फॉर लर्निंग एंड कॉग्निशन। तो मैं बुक में मैंने क्या किया है कि लर्निंग के अलग पॉइंट बनाए हैं, ये आपको काफ़ी लेंथी लगेगा। कॉग्निशन के अलग पॉइंट बनाए हैं, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जैसे आया है मैंने बनाया है कम्युनिटी के लर्निंग पर जो इफेक्ट है उसके पॉइंट, और कम्युनिटी के कॉग्निशन पर पॉइंट, ऐसे ही रिलीजन के इस पर और रिलीजन के इस पर। अगर मैंने 20-20 पॉइंट में पॉइंट बहुत बन जाएंगे, हम क्या करेंगे, आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लर्निंग एंड कॉग्निशन के पॉइंट को ही मर्ज कर लेंगे, एक ही याद करेंगे, एक को भूल जाएंगे। फिर होगा कि जो 10-20 पॉइंट्स इसके हैं वो लिखेंगे कम्युनिटी के, ओके, इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन लर्निंग एंड कॉग्निशन, ऐसे ही रिलीजन ऑन कॉग्निशन एंड सॉरी रोल ऑफ रिलीजन इन लर्निंग एंड कॉग्निशन, ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। मैनेज कैसे करना है साथ साथ में वो बताऊंगा। ये हो गया दूसरा सेक्शन बी है, दो क्वेश्चन आएंगे इसमें से। डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हाउ कैन दिस थ्योरी बी अप्लाइड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है ये। मतलब जब मैं पियाजे पढ़ाता था ना, मतलब क्लास में, तो मैं एक महीना पियाजे को पढ़ाने को लगाता था, इतना इंटरेस्टिंग होता था। तो ये 6 इसके हैं बेसिक फीचर के, और 8 हैं उसकी इम्प्लीकेशन के, डिवीज़न ऐसे है। एक्सप्लेन द स्टर्नबर्ग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए दो भाग हैं इसके भी, 7-7 में डिवाइड किया है ना, ध्यान से देखना। इसके सिर्फ 6 स्टेप हैं, यहाँ पर स्टर्नबर्ग की इन्फॉर्मेशन है ना, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप होगी थ्योरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा काम है। तो नॉर्मली इसको ज़्यादा चूज़ करते हैं, पर ये TET के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट, ये TET के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो जो TET नहीं करना चाहते वो इसको ही ऑप्ट करें, जो TET करना चाहते हैं इसको याद करके बेशक अटैम्प्ट इसको कर दें। ये भी हो सकता है अपने दो चूज़ करने हैं ना, लास्ट सेक्शन में से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने पॉइंट बनाए हैं 15 के करीब पॉइंट बनाए हुए हैं। डिफाइन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, डिस्कस द फीचर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एज गिवन बाय कार्ल लॉगल। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म टॉप पर इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, एजुकेशन जहां भी जाओगे आज आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मिलेगा।
अगर एक वर्ड में टीईटी की तैयारी करवाऊंगा तो बोलूंगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बस खत्म हो गया सब कुछ। इस ये पता लग गया मतलब पैडागोजी के सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए। डिस्कस द फीचर ऑफ सोशल विद रॉगर्स, है ना, ये है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन मैंने बनाए हैं, आपने लिख लेने। तो ये हो गया डेफिनेशन 6 और 8 मार्क्स की। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट दैट मेक अप एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। तो सिर्फ सिंपल ये 8 स्टेप हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी थ्योरी है टीईटी, और इसमें दोनों में इम्पॉर्टेंट है ये, इसके बजाय आप इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, ये पक्की बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, टीईटी में कॉमन है। डिस्कस द सेक्शन 4, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द टीचर इन डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। इजीएस्ट क्वेश्चन है, टीचर के पॉइंट लिखने हैं 14 के 14, ये सभी ने करना है। डिफाइन द कोलैबोरेटिव लर्निंग 6 मार्क्स का है, और हाउ कोलैबोरेटिव लर्निंग फैसिलिटेट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। डरावना शब्द लगेगा, लेकिन वही पॉइंट जो लिखे हुए हैं मैंने बुक में, वही आपने लिखने हैं। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पेपर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग एनवायरमेंट, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बीएड। तो इसको मैनेज करके चलोगे तो आप मतलब टीईटी को साथ लेके चलोगे तो बहुत सी एनर्जी बचेगी, गेन ज़्यादा होगा। आप प्रॉब्लम बोलना अगर साथ साथ में तैयारी, वैसे मैं साथ में ही शुरू कर दूंगा अभी, तो कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पेपर का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।